हेलो दोस्तों, आज का लुक जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही इजी और अफोर्डेबल रेट में ही, आप मतलब 10 रुपये में ही पूरा मैं ओवरऑल अपना मेकअप करने वाली हूँ, मतलब लुक क्रिएट करने वाली हूँ। ये लुक मेरा 30 का लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो बहुत इजी स्टेप्स है, आप इसको आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है फेस के ऊपर, उसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद जो है मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। और जो टोनर था मैंने वो मॉम को का इस्तेमाल किया था। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, ये फिटमी का फाउंडेशन है। फिटमी का फाउंडेशन फुल कवरेज दे देता है मेरी स्किन को, और उसके साथ मैं ये शाइन इनसाइड का शाइन यूज़ कर रही हूँ जो मेरे फेस पर एक ग्लो इंस्टेंट ला करके रखेगा। तो ये बहुत इजी स्टेप है और मैं इसको हमेशा अपने फाउंडेशन के साथ ही ऐड करती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना बेनिफिट मिलता है, फेस पर एक ग्लो आ जाता है, मुझे अलग से जो है हाइलाइटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मेरे लिए हाइलाइटर का भी काम करता है। सो बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट है और मेरी स्किन पे देखिए इतना ही, मतलब मेरे फाउंडेशन से ही मेरी स्किन पूरी फुल कवरेज दे रही है मुझे फिटमी के फाउंडेशन। मेरा जो पूरा फेस था जहाँ पर भी मेरे डार्क स्किन थी वहाँ पर वो आसानी से कवर हो चुका है, बट मैं कंसीलर लगा रही हूँ फर्दर, और भी अगर कुछ मेरे अंडरलाइन पे या फिर जहाँ पे मुझे कंसीलर अप्लाई करना है तो मैं वहाँ पर अपना कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर भी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो अंडर आइज़ की एरिया हो या जहाँ पे आपको पिंपल्स है वहाँ पर आपका ये पूरा कवर कर दे, आपकी डार्क स्किन ना लगे। तो मैं इसको आइज़ पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि मैं अब इसके बाद जो है आई का लुक स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसको मैं आई पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ। और बहुत अच्छे से इसको आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर हुआ तो उसके साथ मर्ज कीजिएगा, उसके साथ ब्लेंड कीजिएगा। मेरे पास नहीं था फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसलिए उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ अभी, बट नेक्स्ट वीडियो में डेफ़िनेटली उसका इस्तेमाल भी करूँगी। मेरा पुराना वाला ख़राब हो गया था तो मैंने इसके लिए नया वाला ये नहीं अभी लिया है, लूँगी। सो, उसके बाद मैंने जो है ग्रीस पर अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दिया, और मैंने ग्रीस पर जो है गोल्ड कलर इस्तेमाल किया है, ब्राउन और गोल्ड कह लीजिए कि ब्राउन गोल्ड कोई भी। अगर मेरी कलर साड़ी का कलर ग्रीन है इसके लिए मैं ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ, आपकी साड़ी का जो कलर होगा आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। मेरी साड़ी का कलर ग्रीन है और मैं 30 का लुक के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादातर 30 में ना ग्रीन कलर की साड़ियाँ ही पसंद आती हैं पहनना। तो मेरा जो आई का लुक है जो आज वो ग्रीन कलर का होगा, बहुत सिंपल सा आई लुक रख रही हूँ। मतलब आप ये लुक डेली भी कर सकते हैं, मतलब डेली मतलब फास्टिंग के टाइम पे होता है क्या ना कि बहुत ज़्यादा हैवी लुक करके भी ना हम पूरा दिन फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, एक अलग सा एलिगेंट सा लुक लगेगा। इसके लिए मैंने जो है बहुत सिंपल सा लुक रखा है और आपको पसंद भी आएगा और अफोर्डेबल रेट में ये लुक क्रिएट भी हो गया, मतलब 10 रुपीज़ में ही ये लुक पूरा अच्छी तरीके से क्रिएट हो गया। मैंने आईलाइनर लगा लिया और बहुत अच्छे से, मतलब आईलाइनर लगाने के बाद मैंने जो है अपने आईब्रो को भी अच्छे से फिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हैं, तो मैं इसको भी अच्छे से फिल कर रही हूँ आईब्रो को भी। और आप अगर आपके पास आईब्रो फिल करने के लिए कुछ भी नहीं है ना तो आप काजल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बट याद रखिएगा उसको ब्रश पे लेकर के अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही उसको इस्तेमाल कीजिएगा, डायरेक्ट अपने आईब्रो पर जो है काजल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका जो है आईब्रो ब्रॉड दिखेगा, बड़ा दिखेगा, मोटा दिखेगा। तो आपको आईब्रो को पतला रखना है तो ऑफकोर्स आप उसको अच्छे से पहले ब्रश में उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपने आईब्रो पर अप्लाई कीजिएगा। मेरे पास तो था इसके लिए मैं उससे अप्लाई किया है। फिर उसके बाद जो है मैंने काजल लगाया है, काजल मैं हमेशा इसी तरीके से ही लगाती हूँ, कुछ लोग आईज़ को नीचे की तरफ खींच करके फिर उसके बाद लगाते हैं, बट मैं इसी तरीके से लगाती हूँ आईज़ को नीचे करके और उसके बाद मैं ये आई काजल का इस्तेमाल करती हूँ, और मैं हमेशा से यही काजल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं आईलैशेस नहीं यूज़ करती हूँ मैं, तो मैं जो है मस्कारा से अपने आईलैशेस को अच्छे से जो है क्लियर कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाएगा, बहुत सिंपल बट बहुत प्रिटी लगता है। आप ये लुक कभी भी कीजिएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो, मैं नीचे की तरफ भी अप्लाई कर ले रही हूँ मस्कारा अच्छे से, ताकि मेरे नीचे की भी लैशेज जो है वो अच्छे से सामने की तरफ दिखे, मतलब नज़र आए, ठीक है। फिर मैं उसके बाद रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिंदूर का भी जो कलर ना रेड लूँगी, इसके लिए मैं
आपके पास चॉइस है, बहुत से लोग ऑरेंज लगाते हैं बट मैं रेड ले रही हूँ। अगर आप ऑरेंज सिंदूर लगा रही हैं तो आई सजेस्ट यू कि ऑरेंज लिपस्टिक मिक्स करके रेड के साथ अप्लाई कीजिएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा सिंदूर का कलर मैं रेड रख रही थी, इसके लिए मैंने जो है लिपस्टिक का कलर भी रेड रखा, और ये मैंने रेड कलर की जो है टिकली लगा ली है, बहुत छोटी सी, क्योंकि मुझे छोटी लगाना पसंद है। अगर आपको बड़ी लगानी है तो आप बड़ी भी लगा सकती हैं। ये पार्ट मैं स्किप कर रही थी, तो सो मैं इसके इधर ब्लशर, मेरे पास ब्लश की जगह ब्लशर जो है अच्छे से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, ब्लशर लगा ले रही हूँ। तो इससे क्या है ना, आपके थोड़े से पिंकी पिंकी से जो है चिक नज़र आएंगे और आपका लुक जो है अब फाइनली क्रिएट हो जाएगा। सो बहुत सिंपल सा मेकअप मैंने किया है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं किया है क्योंकि उस दिन फास्टिंग रहता है, तो एक प्यारा सा लुक देना भी ना अच्छा लगता है, प्यारा लुक एक होना ज़रूरी है। सो ये मेरा लुक क्रिएट हो चुका है, चलिए अब मैं आपको साथ शेयर करती हूँ मेरा फाइनल लुक। सो ये देखिए, ये मेरा फाइनल लुक है, और मैंने कुछ इस तरीके से, अगर आपको लुक क्रिएट करना है तो तीज का लुक आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने सिंदूर लगा लिया है, कान में बालियां पहन ली और मंगलसूत्र पहन लिया है, हाथ में चूड़ियां पहन ली। दिस इज़ माय फाइनल लुक, आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा।